एक ऐलान हुआ कि अब चलने वाले हैं इस कवाड़ियों का सीज़न आ रहा है कि उस रास्ते में जो भी दुकानदार होंगे वो अपना डिस्प्ले करेंगे कि ओनर कौन है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कवाड़ियाँ अगर मुसलमानों की दुकानों से कुछ खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं एज ए यंग मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग लीडर आई वुड लाइक योर व्यूज़ ऑन दिस यू कैन ऑफकोर्स ए नो कॉमेंट और यू कैन इक्कीसवीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है आई होल्डिकीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ माई स्टेट जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है uh, मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ बिहार जहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की राजनीति जातीयता से बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है सांप्रदायिकता पे आधारित होती है ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूँ कि मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो मैं नहीं मैं नहीं मानता हूँ मैं बस इतना मानता हूँ कि एक अमीर है और दूसरा गरीब है अमीर वर्ग में भी हर जात पात धर्म मज़हब के लोग मिलेंगे गरीब जाति में भी आपको हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे इन दोनों के बीच की खाई को हम लोग को पाटने की ज़रूरत है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे पिछड़ा भी मिलेंगे अपर कास्ट के भी मिलेंगे मुस्लिम भी मिलेंगे सब आपको मिलेंगे उनके लिए काम करने की ज़रूरत है तो जहां पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा युवा भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता उसको इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ता है